हमारे वाले वीडियो की सीटी। पूरी रात ऐसे सीटी चलाएंगे कि मतलब उस स्क्रैचेस आ जाएंगे सीटी पे। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे विकी विद्या का वो वाला वीडियो के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 5,40,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 18,05,00,000 का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 25,50,00,000 कर अपने दूसरे वीकेंड में 6,14,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 11वें दिन में 1,10,00,000 कर अपने 12वें दिन में मंगलवार के दिन में लगभग 1,00,00,000 का नेट कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 12 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 33,74,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 40,30,00,000 हो चुके हैं। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 6,70,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 12 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 47,00,000 हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 13वें दिन कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 13वें दिन में इंडिया में लगभग 80,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 37 करोड़ है। अब तक की कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई है। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले हैं। फिल्म का क्लैश आलिया भट्ट की जिगरा के साथ हुआ था। अगर ये फिल्म सोलो रिलीज होती तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ भी कमा सकती। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा देता है कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।